हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानी कि सुनीता का। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी है सुबह का समय और लगभग हो गए हैं दोस्तों 11 बज गए हैं, क्योंकि सुबह का हमारा सारा खाना पीना बन चुका है और खाना वगैरह भी खा लिए थे। तो खाना खाने के बाद जो है यहाँ पर झाड़ू हमारी नहीं लगी थी, अभी ही लग रही है। पहले लगा था बनाने से पहले, उसके बाद में नहीं लगा था। तो जितना भी मैंने यहाँ पर खाना सब्जी बनाया सारा चीज़ यहीं पे ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो दोस्तों बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही आनंद आने वाली है, अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोगों की मन पसंदीदा वीडियो है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैं ले आई हूँ सफ़ेद मिट्टी। तो आज जो है आप लोगों को इसकी घोल नहीं दिखाई मैं, क्योंकि थोड़े से पहले से ही थे इस बाल्टी में मिट्टी, उसी मिट्टी से कर दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत हमें नहीं थी, बस थोड़े ही थे और रोज़ाना होती है चूल्हे की लिपाई, तो बचा है उसी मिट्टी से कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मिट्टी का किनारा बना दे रही हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो सिलन हुई हमारी दीवार पे, तो सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है हल्का, मेरे ख्याल से लगता है हल्का सूखने जैसे हो रहा है, इसलिए ऐसा सफ़ेद सफ़ेद आ जा रहे हैं। तो सारे तरफ घर का ऐसे ही हो गया है। तो यहाँ पर जो है लिपाई करना मैं शुरू कर दी हूँ। तो हमारा किचन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है क्योंकि दशहरा के टाइम पर जब मैं साफ़ सफाई करी थी उसी टाइम लिपाई हुआ था, उसके बाद में नहीं हुआ था। तो फिर हो गए दोस्तों सब हफ्ते भर से, मेरे ख्याल से लग रहा है ज़्यादा ही हो गया, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही गेप कर दी, नहीं तो बहुत जल्दी होता था लिपाई, इस बार थोड़ा सा लेट से हो रहा है। तो फिर मैं सोची लिपाई कर लेती हूँ क्योंकि हमें भी अच्छे नहीं लग रहे थे इस यहाँ पर पानी गिरा के, सब्जी हरा के, खाना हरा के अच्छे नहीं लग रहे थे। तो एक हमारे फ्रेंड्स बोल रहे थे आपका चूल्हा जो है पूरी तरह से पक चुका है, आप जो है इसको फिर से रिपेयरिंग कीजिए, ऐसे बोल रहे थे। तो दोस्तों मेरा चूल्हा पक जाता है फिर भी से मैं ज़बरदस्ती नहीं कोड़ती हूँ, जब फटता है ना उछड़ता है खुद से तब मैं वैसे कर देती हूँ, बाकी जब अच्छा रहता है तो मैं नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें भी मेहनत लगती है और चूल्हा जो है ना बार 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 और रिपेयरिंग करने से ना जिस टाइप से पहले बना रहता है ना कुछ भी चीज़ उससे थोड़ा सा अलग हो जाती है, तो अच्छा रहता है तो मैं नहीं खोदती हूँ। लेकिन जब टूटेगी और उखड़ने लगेगा हमारा मिट्टी जो पक गया है वो, तो मैं आप लोगों को करके ज़रूर दिखाऊँगी, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ है तो उसको ज़बरदस्ती मैं नहीं उखाड़ूँगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमारा सफ़ेद मिट्टी से लिपाई हमारी चौकी की कंप्लीट होने वाली है। तो आप लोग ब्लॉग के एंड तक बने रहिए और पूरी एंजॉय कीजिए दोस्तों। आप लोगों की मन पसंदीदा वीडियो ही लेकर के आई हूँ मैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लेकर के आई हूँ लाल मिट्टी जो कि गेरू कलर में दिखाई दे रहे थे लाइट की वजह से, तो लाल मिट्टी ही है और ज़्यादा तो नहीं है, जो मैं बारिश से पहले खोद करके लाई थी थोड़ा ही बाकी है, फिर से लेने के लिए जाना पड़ेगा हमें वहाँ जहाँ से लाए थे, हमें वहाँ की मिट्टी काफ़ी अच्छा लगा। तो एक हमारे फ्रेंड्स कह रहे थे, उनका कॉमेंट्स लगभग बता रही हूँ मैं ना 5-6 बार से यही आया था कि आप अपने किचन को लाल मिट्टी से लिपाई करके दिखाइए। तो आज मैं फाइनली उनकी ख्वाहिशें पूरी कर दे रही हूँ और मेरा घोल भी बन चुका था और मैं यहाँ लिपाई करने स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो बने रहिए और नेचुरल वॉइस की फुल आनंद लीजिए। तो कैसी लगेगी साथ में आप लोगों को भी बताइएगा।
यहाँ पर जो है हमारा लिपाई कंप्लीट हो ही चुके हैं लगभग। सिर्फ मैं किचन की ही कर रही हूँ, पूरे तरफ की नहीं कर रही हूँ। पूरे साइड की करूँगी तो मेरा लाल मिट्टी तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, जो थोड़ा सा बाकी है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इसको कभी कभी करने के लिए भी देखिए नहीं दोस्तों, बचेगा। मेरा और हमारा किचन का जो कंप्लीट फाइनल हो लुक है चुका वो है, देखिए कुछ इस जमीन तरीके का से लग रहे हैं। देख अभी सकते हैं हमारा आप लोग चौका भी नहीं बिल्कुल, सूखा क्या हुआ बोलते है, हैं, आधा सूख गया है, कत्था क्योंकि वो वाला कलर में चूल्हा दिखाई जो है दे वो रहा है गर्म और था, इस लाइट पर उतना सूख गया, साफ नहीं और है, इधर वाला सीलन है शायद तो इसी सूखा वजह से नहीं ऐसे है, लग रहा है लेकिन देखने में। काफी प्यारा लग नहीं रहे तो थे रियल रियल में में देखने बहुत ही में, अच्छे बट लग आप रहे हैं लोगों देखने को में। कैसी लग रही हो तो और हमें नहीं दीवार पता, में जो आप सफेद लोग सफेद दिख रहा है बताइएगा ना देख वाला, करके कि कैसा लग वो रहा है। और सूखने के लिए दीवार का वैसा हो रहा सीलन है या बिल्कुल भी फिर अच्छा क्यों नहीं नहीं लग रहा है, पता, पूरा व्हाइट सफेद व्हाइट सफेद दिखाई दे मतलब रहा है, सफेद सारे तरफ हो सफेद गया पूरे हो घर जा के। रहा है। अभी तो लग रहा हमारा है चूल्हा सूख रहा है सबसे इसी पहले वजह सूख से, रहा है क्योंकि और उसमें हमारा आग चूल्हा अभी तो भी है, बिल्कुल सूख चुका है, बड़ा सुबह वाला, और जला छोटा वाला करके सीलन पकाई है हुई थी उसमें वो आग वाला, नहीं तो जलता अभी ना लाइट इसलिए। और कम और हो अभी गई, लाइट फिर जो है से वो कट गए धुंधला तुरंत से, दिखाई दे रही है देखिए, देख रहे हैं। और अंधकार सा लग रहा है। उसके बाद में यहाँ पर जो है हम नहा धोवा करके आ गए थे, और काफ़ी टाइम हो गए थे क्योंकि सुबह लिपाई करने के बाद चले गए थे नहाने। नहाने के बाद जो है थोड़ी आराम किए, थोड़ा सा आराम तो क्या दोस्तों, लेकिन आराम के टाइम पे ये हो जाता है कि वीडियो एडिटिंग कर लें ऐसे। उसके बाद आने के बाद यहाँ पर शाम का समय है, और अभी हमारा आग जल चुका है, और मैं तोड़ने आ गई थी यहाँ पर तुराई, जिसको बोलते हैं काफ़ी लोग डोड़का, हम लोग के यहाँ लोग इस डोड़का ही बोलते हैं, और काफ़ी लोग इसको तुराई भी बोलते हैं, तो वही तोड़ने आ गई थी मैं यहाँ पर। कुछ भी सब्जी नहीं थे घर पे, तो मैं सोची आज क्या बनाऊँगी, तो यहाँ पर दो फले हुए थे, और मैंने इधर उधर से कुछ कुछ और भी सब्जियाँ इकट्ठा करी हूँ, तो उसी से आज मैं बनाऊँगी दोस्तों खाना सब्जी। तो यहाँ पर देखिए तोड़ करके ले आई हूँ, दो मिला है और ये थोड़ा सा मिला है, तो ये बाड़ी की है, तो इसी को मिला करके बनाऊंगी इसके साथ में। और घर पर हैं क्या बोलते हैं सोयाबीन बरी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं गोजम बरी, तो उसी को मिला दूंगी इसमें, तो जो हो जाएगा, क्योंकि जो क्या बोलते हैं डुड़का तुरई वो मतलब पकने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है, तो इसलिए उसको भी मिला दूंगी मैं। तो इसको अच्छे से तोड़ लेती हूँ। तो दोस्तों कल की ब्लॉग में हमें जो है आप लोग बोले थे, एक फ्रेंड्स हमें बोले थे कि आप जो है मनोज डे से संपर्क कीजिएगा, ऐसे बोल रहे थे। तो दोस्तों और एक फ्रेंड्स बोल रहे थे कि यूट्यूब वाले बाबा से संपर्क कीजिए, मैसेज कीजिए, उनसे जानकारी लीजिए। मैंने इन लोगों को काफ़ी बार मैसेज करके इंस्टा में भी फिर यूट्यूब में भी कितना कीजिएगा बताइए, करने वाले करते करते थक जाइएगा, लेकिन रिप्लाई देने वाले नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना जैसे कि बड़े हो गए, उनके पास हर चीज़ हो गया, तो उन लोग रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझते हैं, सिर्फ अपने मकसद से अपने काम से काम रखते हैं, उसके बाद बाकी इधर वालों का कोई वो चीज़ नहीं रहता है। तो वैसे ही ना मैं काफ़ी बार उनको ट्राई करी दोस्तों, तब जा करके मेरे आंखों में आंसू भर आए और मैं आप लोगों तक शेयर की, नहीं तो मैं इतनी जल्दी रोने वाले में से नहीं हूँ। क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत से लोगों को ऐसा मैं कही थी जब नहीं हेल्प किए, तो लास्ट में मैं आप लोगों से बोली यदि आप लोगों को पता हो तो बताइएगा ऐसे बोल के, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स को पता होती है ना, बहुत से लोग जो है वीडियो भी बनाते हैं और दूसरों को सपोर्ट भी करते हैं, तो ऐसे भी होते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होती है, इसलिए मैं ऐसा बोली थी। लेकिन कोई नहीं, आप लोगों को पता नहीं, फिर भी आप लोग कोशिश कर रहे हो मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे इतना ही अच्छा लग रहा है और इतना ही काफ़ी है कि आप लोग मेरा इतनी हेल्प कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर हेल्प करेगा दोस्तों। तो एक फ्रेंड्स हमें बोल रहे थे कि आपसे कुछ बात करनी है, आप लाइव आइएगा ऐसे करके, तो देखती हूँ दोस्तों अगर MB बच जाए तो मैं लाइव आऊँगी एक आध दिन अभी, और आप लोग सब लोग आइएगा और मुझे बताइएगा कि मैं करूँ क्या, करना क्या चाहिए, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अभी तक भी मुझे कोई सल्यूशन नहीं मिला है ना, कोई हेल्प भी नहीं किया है, पर देखती हूँ क्या होता है। आप सभी को दिल से धन्यवाद दोस्तों हमें इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए, बस इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। और जो है हमारे चैनल पे जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो साथ में आप लोग शेयर भी कर दिया कीजिएगा। तो आज मैं इसी की सब्जी बनाऊंगी दोस्तों, और आप लोगों तक जो है मैं रेसिपी भी शेयर नहीं की, लेकिन देखिए बनाने के बाद काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगा था दोस्तों। तो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा,
और इसी ब्लॉग के साथ जो है मैं अपना ब्लॉग समाप्त करने वाली हूँ दोस्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।